बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इफ्तिखार शरीफी में आप तमाम दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ। वेलकम बैक डियर दोस्तों। सुबह सुबह का टाइम है, एक्सरसाइज का टाइम है, काफ़ी लोग एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं यहाँ पे इस ग्राउंड में। शायद आपको पता है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी अरेबिया की पाक सरजमीन पर हूँ। साथ ही बिटकॉइन के वाले से, अल्टकॉइन के वाले से बात ना की जाए तो वो प्यारे भाइयों फिर काम नहीं चलता। काफ़ी लोग पैनिक में हैं और कल भी काफ़ी लोगों के मैसेज आए कि शाह साहब को वीडियो बना दे, कब तक ये ही सिलसिला चलता रहेगा, कब ये मार्केट अब जाएगी, क्या जाएगी भी या नहीं। ये जो आप फक्की चूरन दे रहे हैं, दो तीन ने बोला कि क्या आप ये जो फक्की चूरन दे रहे हैं कि लाजमी जो आप वो 1 लाख पर जाएगी, तो ये कब तक जाएगी। प्यारे भाइयों, पूरी क्रिप्टो मार्केट आप छान लें, मुझे भी अल्हम्दुलिल्लाह 2017-18 से हूँ, तो मैं ये कभी नहीं बोलूँगा। खुदाई दावा, जो भी बंदा करता है कि ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा, मैंने ये बोला तो मैंने वो बोला था, मैंने ये बोला था तो वो हो गया, मैंने लॉन्ग की तो ये हो गया था, मैंने इतना प्रॉफिट बना लिया। जो भी पहली बात तो ये है कि आप लोगों को लॉन्ग एंड शार्ट की टल्ली खड़काते हैं, वो समझो आप लोगों का बेड़ा गर्क करते हैं। जो भी आपको लॉन्ग एंड शार्ट की, ख़ास तौर पर फ्यूचर की टल्ली खड़काता है, हाँ मैं कहता हूँ कि ये करें, लेकिन वो बंदा करे जिसने $1000 का को 10-20-30-40 हज़ार डॉलर बनाया, तो वो थोड़ी सी फ्यूचर में ना वो पार्टिसिपेशन कर सकता है, उल्टा सीधा पंगा वगैरह ले सकता है। जिसके पास बेचारे के पास है ही 1000, 2000 या 500 या 100 डॉलर है, तो वो खुदारा इससे दूर रहे, नहीं तो एक छोटी सी झटकी लगेगी और भाई साहब रबूब होकर चुप करके कोने में एक बैठ जाएंगे और अल्लाह अल्लाह करेंगे। वो भी अल्लाह अल्लाह भी नहीं, बड़ी मुश्किल के साथ अल्लाह अल्लाह भी उस वक्त होती जब बंदा खुश हो, ठीक, नहीं तो परेशानी में प्यारे भाई फिर वो बंदा जहनी मरीज बन जाता है। तो लिहाजा इन चीज़ों से आपने दूर रहना है। अब आ जाते हैं बिटकॉइन के वाले से। बिटकॉइन के 2-4 दिन पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने प्रेडिक्शन दी थी। ये प्रेडिक्शन होती है, खुदाई दावा जो होता है ना, वो मैंने बोला तो ये हो जाएगा तो वो नहीं है, ठीक है। प्रेडिक्शन गलत भी हो सकती है, एनालिसिस जो है वो गलत भी हो सकता है, तजिया किसी का ठीक भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। मार्केट है, इसमें सारे तजिया देते हैं, प्रेडिक्शन देते हैं, सॉरी, तो कईयों की गलत कईयों की सही। मार्केट है, इसमें 100% किसी को आप कसूरवार ठहराएंगे तो वो मैं समझता हूँ कि नहीं। आप अपने ऊपर देखिए कि आपने कितना इसमें वर्क किया, आपने कितना काम सीखा उस लिहाज से। अब आ जाते हैं बिटकॉइन वाले से। 2-4 दिन पहले जो वीडियो बनाई थी मैंने उसमें क्लियर कर बोला था कि अगर 62,800 को के ऊपर सस्टेन नहीं रहती तो फिर आप लोअर लो जो है वो एक दे सकते हैं, यानी कि आप 61,000-60,000 को देख सकते हैं। तो अल्लाह भला करे इसने तकरीबन जो है वो 58,000 के राउंड बोट आ गई। तो अब आगे क्या हो सकता है, अब आगे अगर इसको ब्रेक किया, 58,000 को, तो फिर मज़ीद जो टल्ली है ना, ठीक है, वो 45,000 वाली 48,000 वाली, ये मैंने 100% नहीं, ये 40% चांस है, कितने 40% चांस है, और 60-70% चांस है कि यहाँ से ही बुलिश बैक हो जाएगी। क्योंकि ज़्यादातर चांस ये लग रहे हैं, काफ़ी जो है ना वो ट्विटर पर भी चर्चा है कि जो इसने करना था वो कर लिया है, लेकिन ट्विटर पर हम नहीं जाते। मैं ये बात कर रहा हूँ कि जब भी आप जिस फिगर पर देखें उससे 10-12 हज़ार का, 10-15 हज़ार का पंप डंप, वो इनएविटेबल है, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है कि वो इतना ना ले, ये हो ही नहीं सकता। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप 60,000 के राउंड बोट है तो यहाँ से 10,000 के नीचे यानी 50,000 पे या 10,000 ऊपर, वो आराम से प्यारे भाइयों ये इसका दायरा है, ठीक, इतना आ सकती है। अब 45,000 पे कोई बोले तो वो भी आ सकते हैं, हम 45,000 से 10-15,000 से बड़ा डंप जो है वो एक्सपेक्टेड, वो इतना मुश्किल है। अब दूसरे नंबर पर अल्टकॉइन, जो मेरा ख्याल है कि जैसे ही बिटकॉइन यहाँ पे थोड़ा सा स्टेबल होगा, इंशाल्लाह से दोबारा से अल्टकॉइन उसी जगह पे चले जाएंगे जिस जगह से 2-3 दिन पहले, यानी कि आज से 6 महीने पहले या 5 महीने पहले, 2-3 दिन पहले जिस जगह पर थे ना, उस जगह पे ही आप सारे अल्टकॉइन देखेंगे इंशाल्लाह, यानी 10-20% 30% जो है वो अल्टकॉइन बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे अगर 2-4 दिन इसी जगह पे ठहरी रही। यानी 60,000-61,000 के ऊपर अगर मार्केट जाती है दोबारा से, तो फिर आप दोबारा से हो सकता है 65,000 वाला जो कुछ दिन पहले, यानी 3-4 दिन पहले जो उसने रीटेस्ट किया था, वहाँ से भी ब्रेक करके ऊपर ज़्यादा चांस लग रहे हैं। लेकिन लेकिन प्यारे भाइयों, अगर आप लंबे टाइम के लिए आए, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, तो क्रिप्टो मार्केट आपको पैसा देगी। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इसमें फक्की चूरन लेना चाह रहे हैं, अगर आपका दिल है कि मैं शॉर्ट टर्म के लिए इसमें करोड़पति हो जाऊँ, रोड़पति हो जाऊँ, ठीक है, तो वो प्यारे भाइयों इम्पॉसिबल। लंबे टाइम के लिए आए, फ्यूचर में पंगा ना लें, जब तक आप सीखें ना उस वक्त तक आप बड़ी ट्रेड ना लें। हाँ, अगर आप कुछ ना कुछ आपको आइडिया है, सीखा हुआ है, तो फिर आप ज़्यादातर पैसा एज ए इन्वेस्ट जो है ना वो इसमें ठोक सकती हैं। तो लिहाजा परेशानी वाली कोई बात नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है।
आप घबराएं नहीं, घबराना नहीं है, बिल्कुल आपने घबराना नहीं है जब तक हाँ आप सलाम अलैकुम ना हो जाएं। तो लिहाजा इंशाल्लाह इसी 2024 में, इसी ठीक ये नहीं मैं कहता 2025 में, पहले जो प्रेडिक्शन थी वो काफ़ी गलत भी हुई हैं, काफ़ी सही भी हुए हैं, क्योंकि ये मार्केट है। मैं बोलूँ कि मेरी सारी की सारी ठीक हो, नहीं, कोई बंदा बोले कि सारी की सारी हमारी ठीक होती है, वो झूठ बोल रहा है। तो लिहाजा इसी 2024 में आप इंशाल्लाह बहुत बड़ी रैली देखेंगे और आपको दो तीन एग्जिट पॉइंट आपको मिलने को देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि जो रेट कट है ना वो प्यारे भाइयों इन्होंने लाजमी करने हैं। इससे ही 2024 में नहीं करेंगे तो इनका भी कबाड़ा निकल जाएगा, ये नहीं कि हमारा तो कबाड़ा निकलेगा, इनका कई गुना हज़ार गुना प्यारे भाइयों निकल जाएगा, ठीक है। तो लिहाजा इसी 2024 में इंशाल्लाह 1 लाख जो आंकड़ा है ना, वो मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा चांस हैं, 70-80% चांस हैं कि उस आंकड़े को लाजमी रीटेस्ट करेगी। और जब तक ये 74,000 से नीचे है, बड़ी जो रैली एंड आल्ट रैली वो आपको देखने को नहीं मिल सकती इंशाल्लाह बहुत जल्द ही, ठीक है। 74,000-72,000 को ब्रेक करके तो ऊपर 1 लाख की जानब निकलने की कोशिश करेगी। लिहाजा खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कराते रहें। मुस्कराहट जो है ना वो प्यारे भाइयों वो आपकी लाइफ को चार चांद लगा सकती है। सुबह की एक्सरसाइज लाजमी करें, ठीक है, फ्रेश हूँ, ठीक है, ताज़ा दम हूँ। बार बार अपने पोर्टफोलियो को ना देखें, बार बार अगर आप अपने पोर्टफोलियो को देखेंगे तो प्यारे भाइयों आपका ये क्रिप्टो मार्केट बड़ा निकाल देगी। खुश रहें, आबाद रहें, अल्हम्दुलिल्लाह जो इधर सऊदी अरेबिया में है अल्लाह ताला उनके उमरा शरीफ हज शरीफ कबूल करे, जो पाकिस्तान में हैं या किसी और कंट्री में हैं, ठीक है, वो भी करना चाहें, अल्लाह ताला उनको भी तौफीक दे, उमरा शरीफ करे, इबादत करे, अल्लाह खैर।